वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के ऑफिशियल ट्रेलर को। वेल फ्रेंड्स, आज की इस फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च इवेंट था उसको देखकर लिटरली मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि गाइज दिस इज व्हाट स्टार्स लिव फॉर, दिस इज व्हाट वी लिव फॉर। एंड गाइज आज प्रिया सिनेमा दिल्ली का फर्स्ट पीवीआर पीएक्सएल ऑब्वियसली बैंगलोर एंड मुंबई में 2017 से आ चुका था। मेरा एक पीएक्सएल का व्लॉग भी है, टाइगर जिंदा है, मैंने पीएक्सएल में देखी थी पीवीआर के बैंगलोर में। एंड गाइज आज दिल्ली के प्रिया पीवीआर पीएक्सएल में जब एक मर्सिडीज वैन में अक्षय कुमार, वाणी कपूर, जैकी बगनानी एंड लारा दत्ता एंड दीपशिका देशमुख ये सारे के सारे लोग उतरे, वहां पर फैंस का इतना बड़ा जमावड़ा था, कसम से बहुत बड़ी मात्रा में फैंस आए थे, वो चिल्ला रहे थे, वो सीटियां बजा रहे थे, अक्षय कुमार को देख के इतना बड़ा रोर हुआ वहां पर। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेलर लॉन्च इवेंट में एक केक का भी आयोजन किया गया था एंड उस केक पे लिखा था अनलॉकिंग सिनेमाज। केक काट कर सारे के सारे लोगों को अंदर ले जाया गया। डेट 3rd of August, गेट पीवीआर पीएक्सएल, सीटिंग फ्री, डेस्टिनेशन पीवीआर प्रिया, बोर्डिंग टाइम 6 PM एंड बेल बॉटम 3D ट्रेलर को लॉन्च किया। चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं। ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा जहां पे हम पूरे के पूरे ट्रेलर को ब्रेकडाउन करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रेलर को देखकर आपको दो चीजें पहले ही स्ट्राइक करेगी। नंबर वन है इसका कलर ग्रेडिंग, पूरा का पूरा ट्रेलर आपको येलोइश दिखाई दे रहा है एंड आधा ट्रेलर आपको व्हाइटिश दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ज्योग्राफिकल कंडीशन जो रहती है अलग अलग सिटीज की तो काफी डिफरेंट है। आपने गौर दिया होगा इस ट्रेलर में अक्षय कुमार कहता है कि फ्यूल की कमी के कारण वर्ष उन लोग 3 जगहें जा सकते हैं, दुबई, अबू धाबी, मस्कत। कभी आप दुबई, अबू धाबी, मस्कत में जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखना, मेरे जितने भी व्लॉग हैं सऊदी के भी, वो कंप्लीटली येलो दिखाई देते हैं, क्योंकि गाइस वहां का एटमॉस्फेयर येलो है। इसीलिए अब पूरी की पूरी पिक्चर शूट हुई है यूके में। अब यूके और अबू धाबी में कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, इसीलिए वो कलर ग्रेडिंग की गई है। तो जितने लोग, जिनको शिकायत होगी उससे, उनके लिए एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। दूसरा हाईलाइट है इंदिरा गांधी जी, किसी ने पहचाना नहीं कि वो लारा दत्ता है। मेरा रिव्यू देखने के बाद सब महान शख्सियतों ने ट्वीट किया कि ये लारा दत्ता है इस फिल्म में। एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोस्थेटिक, बहुत सीन में जबरदस्त है, लेकिन उनकी जो नाक है उसका जो प्रोस्थेसिस, आई थिंक प्रीति शील हैज डन इट, डोंट कोट मी ऑन दिस वन, आई एम नॉट श्योर, उन्होंने ये प्रोस्थेटिक किया है, वही जो अक्षय कुमार का हर प्रोस्थेटिक करती है, बाला का प्रोस्थेसिस उन्होंने किया था। नाक थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट लारा दत्ता इज लुकिंग ऑन पॉइंट। चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द ट्रेलर रिव्यू ऑफ बेल बॉटम। शुरुआती सीन में बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन एयरलाइन का जो प्लेन है वो दिखाया जाता है एंड किस तरह से पूरा का पूरा एयरपोर्ट का VFX किया है वो बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के VFX से मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इस ट्रेलर के अंत में एक पूरा सैंडस्टॉर्म वाला सीन है। अब रीडिफाइन ये कंपनी का नाम मैंने कभी भी नहीं सुना है जिन्होंने विजुअल इफेक्ट्स किया, दे कुड हैव टेकन अ रेड चिलीज फॉर इट, क्योंकि राधे में भी NYVFX वाला ने क्लाइमैक्स में इतना खराब VFX दिया था। एंड गाइस यहां पर भी जो एंड के सीन्स हैं जहां पे प्लेन रिक्रिएट किए गए हैं वहां का VFX बहुत ही यहाँ पर खराब लग रहा है। पर शुरुआती सीन में एयरपोर्ट दिखाया जाता है एंड अक्षय कुमार ट्रेलर में कहता है कि ये फ्यूल की कमी के कारणवश 3 शहर जा सकते हैं, तो वो दुबई होगा, अबू धाबी होगा या मस्कत होगा। तो यहाँ पे क्लियरली जो आर्मी टैंक्स है, जो पुलिस व्हीकल्स है, उनके नंबर प्लेट पे दुबई आपको दिखाई देगा एंड पूरा का पूरा एयरपोर्ट पे जो प्लेन लैंड होती है हाईजैक प्लेन, तो वहां दुबई की जो पुलिस है वो आर्मी टैंक वैंक लेके वहां पे चले जाती है। फिर निगोशिएशंस शुरू होते हैं। एयरपोर्ट के सीन्स बहुत अच्छी तरीके से शूट किए गए हैं, सारा का सारा शूटिंग यूके में हुआ है इसलिए कलर ग्रेडिंग से येल्लो किया गया है एंड वहां पे जो पुलिस ऑफिसर्स है दुबई की 1984 के जमाने के कॉस्ट्यूम्स, वो सारे के सारे चीजें यहां पर मद्देनजर रखते हुए किया गया है। प्रोडक्शन डिजाइन बाय अमित एसरे इज सुपर्ब। यहां पे एयरपोर्ट जो देख रहे वो होटल की लॉबी है, पैसेंजर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां के जितने भी लोग हैं उनकी ड्रेसिंग, जो अरबा कॉस्ट्यूम्स है, बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। आदिल हुसैन यहां पर डिफेंस के कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी है। तभी हमें पता चलता है कि यहां पर 24th of August 1984 को 7:10 पर IC-691 यानी कि न्यू दिल्ली से श्रीनगर जो प्लेन जा रही है वो हाईजैक हो चुकी है। सो हाईजैक होता है, इंदिरा गांधी जी के पास इन्फॉर्मेशन जाती है, लारा दत्ता सारा सर्वेलेंस करती है एंड यहाँ पे प्लेन की भी झलकियां दिखाई देती है। देखिए गाइस, ऐसी फिल्में हमने बहुत बार देखी है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। शाइनी आहूजा की एक पिक्चर थी जिसमें सेम तरीके से ये ऑपरेशन किया गया था, अंडरग्राउंड जाकर मार धुड़ के सबको निकाला गया था। नीरजा भी एक ऐसी फिल्म थी,
अब इन सारी फिल्मों से बेल बॉटम कैसे अलग होगी, ये डिपेंड करेगा एजेंट बेल बॉटम जो है यानी कि अक्षय कुमार की इन्वेस्टिगेशन पे। किस तरह से ये केस हाथ में लेने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, लंदन जाते हैं, किस तरह से तार जोड़कर वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं ऑडियंस के लिए, स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हाईजैकर्स दिखाए जाते हैं, हाईजैकर्स लोगों को मारते हुए दिखाई देते हैं। अब वो हाईजैकर और कर्ली बाल वाला शायद वो प्यार का पंचनामा वाला लग रहा है पार्ट वन वाला, पता नहीं, गलत भी हो सकता हूँ। प्रोडक्शन डिजाइन में जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस बनाया गया है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अक्षय कुमार की एंट्री यहाँ पर पार्लियामेंट के पास DIA 3862 बाइक पे बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। अक्षय कुमार का इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है, शादीशुदा है, शार्प मेमोरी, गाना सिखाता है, हिंदी इंग्लिश जर्मन फ्रेंच भी लिखता बोलता है अक्षय कुमार, प्रैक्टिसिंग गन शॉट्स। उसके बाद वाणी कपूर यहाँ पे उनका लव इंटरेस्ट जो है इस फिल्म में दिखाई दे रही है, दोनों के बीच में काफी अच्छे सीन्स हैं। अनफॉर्चुनेटली एक और फिल्म जहाँ पर वाणी कपूर को बस यही करने को मिला है, अनफॉर्चुनेटली उनके एक्टिंग टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। वॉर में भी इतने ही सीन्स थे जितने यहाँ बेल बॉटम में शायद होने वाले हैं। अक्षय कुमार प्लेइंग चेस, वो सीन्स काफी अच्छे तरीके से है। अक्षय कुमार प्रैक्टिसिंग विद ऑल हिज यू नो सहपाठी जो है यानी कि साथ में जो रहते हैं लड़के उनके साथ क्लासरूम में सिखाते हुए बहुत अच्छे अच्छे उनके लुक्स यहाँ पर रिक्रिएट किए गए हैं। एक सीन है जब एक बंदा गले में रेडियो डाल के पैखाने में बैठा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बोलता है पहुंच दे, वो काफी अच्छा लगा मुझे वाला सीन। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीन, उसके बाद किस तरह से जो मीडिया है वो इस हाईजैकिंग इवेंट को कवर करने के लिए आ जाता है, वो सब भी अच्छा दिखाया गया है। दुबई के विजुअल्स के काफी ज्यादा ख्याल रखे गए हैं, 1984 की फिल्म है, अच्छा बुर्ज खलीफा नहीं दिखा दिया वहां पर बीच में खड़ा हुआ भूल से हो भी सकता था। दोज विजुअल्स ऑफ दुबई ऑफ मस्कत एंड आबू धाबी अ वेरी नाइसली शोन। अक्षय कुमार की एक वैन है इस फिल्म में बेल बॉटम में, वो भी काफी अच्छी दिखाई गई है। एक्शन सीन्स आर वेरी गुड, परवेज शेख ने एक्शन सीन्स काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किए गए। एक बुड्ढा अंकल भी है इस फिल्म में जो कि सबको लग रहा था कि हम दिल दे चुके सनम में ऐश्वर्या राय का बाप जो है, तो दे धनाधन में है वो अंकल है, तो वो अंकल नहीं है, ये डिफरेंट अंकल है। एंड गाइस यहाँ पर अक्षय कुमार की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, ओल्ड विंटेज टेलीफोन्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर लंदन के दृश्य में आप देखोगे किस तरह से जो कलर ग्रेडिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, एंड यू विल सी अ नॉर्मल स्क्रीन यानी कि व्हाइट पूरा आपको स्क्रीन दिखाई देगा, ये पर्पसली ऑन पर्पस किया गया है। वाणी कपूर यहाँ पे कोई रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करते हुए दिखाई दे रही है, एंड शी इज वर्किंग इन MTNL क्योंकि उनके पीछे ही MTNL का बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो शी इज वर्किंग इन MTNL मुंबई में यहाँ पर लैंडलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उनकी वो कार्यकर्ता लग रही है, शायद कार्यकर्ता के ऑफिस स्टाफ लग रही है। उसके बाद एयरपोर्ट सीन्स में किस तरह से अक्षय कुमार सबको मिशन समझाते हैं वो वाले सीन्स, पीछे उनको अक्षय कुमार को जब बोलते हैं कि अरे यार इंडियन आर्मी दूसरे सॉइल पर जाएगी तो इट विल बी वॉर लाइक सिचुएशन, अक्षय कुमार का जो डायलॉग आता है चेस में कभी डबल्स नहीं खेला करते, वो सीन बहुत ही यहाँ पर अच्छी है। एंड फ्यूल टैंक पे अक्षय कुमार जिस तरह से चढ़ के जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ, किस तरह से प्लेन में एंट्री लेते हैं, एक और शिकायत है पूरी फिल्म यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया है। अब खाली स्क्रीन प्ले हमको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी नो एवरीथिंग एंड टॉप शॉट्स, हेलीकॉप्टर शॉट्स, यू नो यहाँ पे बोट शिप ये सब बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया गया है। एक जगह दिखाया है किस तरह से ब्रिज है, ब्रिज से दो फाटक ओपन होते हैं एंड एक पूरी की पूरी एक यू नो शिप रहती है, कंटेनर शिप, वो उस फाटक को पार करके जाती है, तो क्रॉस बॉर्डर होगा शायद, हमें आर्मी आएगी मदद करने के लिए। हुमा कुरैशी एज द आपाजान इन द बुरखा इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड प्लीजिंग टू द आईज, अनफॉर्चुनेटली आज वो ट्रेलर लॉन्च पर नहीं आ पाई। सो जो अपाहिज था, मैंने पहले पोस्टर देख के बोला था ये अपाहिज मेरे को थोड़ा डेंजर लग रहा है, तो अपाहिज नहीं होने वाला फिल्म में, वो उठ के भागेगा मारामारी करेगा। इनकी एक पूरी की पूरी डोली है, टोली है, डॉली की डोली नहीं टोली है, जो कि दुबई में यहाँ पर हाईजैक मिशन में इनकी मदद करेंगे, उसमें ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, अक्षय कुमार की स्पाई टीम में और दो तीन नो एजेंट्स भी है, दुबई के शेख को भी दिखाया जाता है। अक्षय कुमार की पूरी टीम है जो कि वहां पे एयरपोर्ट स्टाफ के कपड़े पहनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर हाईजैकर्स को भी दिखाया जाता है, डायलॉग बोलते हैं ना तुम लोग हमेशा हारने की आदत है, अक्षय कुमार बोलता है इस बार उनकी हार, वो डायलॉग भी बहुत ही अच्छा है। एक सीन है जो कि काफी कलर लाता है इस ट्रेलर में, अक्षय कुमार एंड वाणी कपूर यहाँ पे एक बाइक राइड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सीन भी बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है। ये सीन मुझे टाइगर जिंदा की याद दिलाता है, यहाँ पे अक्षय कुमार अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ वही कॉस्ट्यूम में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं स्लो मोशन में। अक्षय कुमार रनिंग इज वेरी गुड, आई लव द वे अक्षय कुमार रन्स इन हिज फिल्म्स, अक्षय कुमार एंटरिंग एंड यू नो बीटिंग द शिट आउट ऑफ द हाईजैकर्स, जंपिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द कार, सब अच्छा है। एंड का जो सैंडस्टॉर्म दिखाया है थोड़ा खराब लग रहा है, बड़े पर्दे पर और खराब लगेगा, थोड़ा अच्छा हो सकता है, तो लेट्स सी जब बड़े पर्दे पर देखेंगे तो किस तरह से लगेगा। उसके बाद बहुत सारे लुक्स आते हैं,
अक्षय कुमार टॉकिंग ऑन अ फोन इन अ पब्लिक बूथ, वो वाला सीन एक नदी किनारे, यू नो अक्षय कुमार वाणी कपूर इंजॉइंग शैंपियन, एक कुत्ता बैठा हुआ टेबल पे, वो वाला सीन बहुत अच्छा है। सेव माय मदर, सेफ्टी फॉर IC 691 पैसेंजर्स का प्रोटेस्ट, यू नो वहां पे। यहाँ पर आपने वो देखा होगा जो जीता हुआ सिकंदर, आमिर खान का जो बड़ा भाई रहता है वो भी इस फिल्म में किसी की चिता पे आग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अक्षय कुमार का वो सीन काफी अच्छा है, सैंड स्टॉर्म में अक्षय कुमार मास्क लगाकर व्हाइट गॉगल्स पहन के टैन। अब बहुत लोगों को म्यूजिक थोड़ी बहुत सिमिलर लगेगी क्योंकि जो ट्रेलर का जो बीजीएम है ना वो यहाँ पे जूलियस पैकियम ने दिया है। जूलियस पैकियम इज द बीजीएम यू नो कंपोजर फॉर टाइगर जिंदा है एकता टाइगर, इसलिए थोड़ा बहुत सिमिलर फील आएगी आपको टाइगर एंड एकता टाइगर की। जो प्लेन का वीएफएक्स है वो खराब है, लास्ट का डायलॉग बहुत ही अच्छा है, सर इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही फ्रेश ट्रेलर था, बहुत ही इनोवेटिव ट्रेलर था। एंड में अक्षय कुमार सैंड स्टॉर्म में गाड़ी को पकड़ते हुए स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बात करेगा एडिटिंग की तो चंदन अरोरा ने किया है, तो एडिटिंग इस फिल्म की बहुत ही क्रिस्प एंड बहुत ही शार्प होने वाली है, तो उस पर डाउट मत रखना। एंड गाइज ये फिल्म रिलीज होने वाली है 19th of August 2021 में। ओके गाइज, आशा करता हूँ आज का ये ब्रेकडाउन एपिसोड आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया प्लीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमन साई साइनिंग ऑफ, यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।